पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1970 में भारत आकर हस्तिनापुर स्थित शकुंतला कॉलोनी में सरकारी जमीन में रह रहे 63 हिंदू बंगाली परिवारों की 52 साल बाद किस्मत जाग उठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन परिवारों को लोक भवन में आयोजित समारोह में कृषि भूमि के पट्टे और आवास का आवंटन पत्र सौंपने वाले हैं। तिरसठ हिंदू बंगाली परिवारों को आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सौगात मिलने वाली है। कृषि भूमि और आवासीय भूमि के लिए पट्टे आज मुख्यमंत्री इन परिवारों को सौंपने वाले हैं। आपको बता दें कि 1970 से ये लोग बिना भूमि के यहां पर रह रहे थे। पाक विस्थापितों को आज खुद का आसियाना यहां पर मिलने वाला है। 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आज सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिवारों को आज पट्टा वितरण करने वाले हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी। अनिकेत, क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा? आपको बता दें कि आज पट्टा वितरित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके लिए जाहिर तौर पर बड़ी सौगात इसे कहेंगे। कहां यह कार्यक्रम आयोजित होगा, कितने बजे कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, आज की बात की जाए अगर जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से जो विस्थापित हिंदू परिवार जो आए थे उनको बसाने की जो कवायद थी लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही थी। बता दें आज 350 ऐसे परिवार थे जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने बसा भी दिया है। हालांकि 63 ऐसे परिवार थे जिनको पुनर्वासित करना था। हालांकि चुनावी प्रक्रिया और अन्य कारणों की वजह से जमीन न मिल पाने के तमाम ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 63 ऐसे परिवार थे जिनको बसाने की जो कवायद थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। हालांकि अब जो 63 परिवार जो बच गए हैं उन्हें बसाने के लिए जमीन तलाश ली गई है। कानपुर देहात के रसूलाबाद के बैसाया गाँव के पास में जो जमीन है उसको तलाश लिया गया है और अब आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवारों को पट्टा इन जमीनों का मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ बता दें आशीष, आज कैबिनेट की बैठक भी है और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो अछूते लोग हैं, जो सबसे अंतिम छोर में जो प्रदेश में जो खड़े हैं उनको साथ लाने की जो कवायद है, उनको साथ खड़ा करने की जो प्रयास है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार करती नजर आ रही है और खुद सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लगातार मंचों से कहते रहे हैं। तो यकीनन तौर पर आज एक बड़ा फैसला जरूर, एक बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जरूर लिया जाएगा। 130 हेक्टेयर जमीन जो है उसे तलाश लिया गया है आतिश। तो यकीनन तौर पर अब ऐसे जो 63 परिवार जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें मेरठ में रखा गया था तो अब रोजगार व्यापार जब खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा संकट, एक बड़ी समस्या जरूर थी। अब उन समस्याओं को दूर करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है आशीष। बिल्कुल अनिकेत, क्या इनको पट्टे भी आज ही जारी, माफ कीजिएगा, इनको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है या फिर आज ही इनको ये नागरिकता भी सौंपी जाएगी? देखिए आशीष, अगर बात की जाए नागरिकता की तो यकीनन तौर पर जब जमीन जब मुहैया कराई जा रही है, जब पट्टा उनके नाम किया जा रहा है तो यकीनन तौर पर जो नागरिकता है वो भी आज ही उन्हें मिल जाएगी। यकीनन तौर पर अब इस तरह से विस्थापित होकर जो 63 हिंदू परिवार जो वंचित थे उन्हें कहीं ना कहीं अब भारत की नागरिकता मिलेगी और अब जमीन भी मिलेगी। यकीनन तौर पर जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है आशीष। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी, जिन्होंने बताया कि आज पाकिस्तान के विस्थापितों को जमीन मिलने वाली है, इनको पट्टा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपने वाले हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि पाक विस्थापितों को आज, माफ कीजिएगा, हिंदू बंगाली परिवारों को 63 परिवारों को आज जमीन मिलने वाली है। 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि के पट्टे आज मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए जाएंगे।